मैं आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। करछना के धरी गांव में दो लोगों की हत्या की गई है। बड़ी खबर प्रयागराज से है। धरी गांव में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, दो लोगों की हत्या हुई है। करछना के धरी गांव में दो लोगों की हत्या के बाद आरोप जिस शख्स पर है उसकी पिटाई की जानकारी भी मिल रही है। प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। करछना के धरी गांव में दो लोगों की हत्या की गई और गांव के लोगों में नाराजगी है। प्रयागराज के धरी गांव का यह मामला, जहां डबल मर्डर के आरोपी की भी नाराज ग्रामीणों ने पिटाई कर दी है। संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर। कलेक्टर मानवेंद्र, क्या जानकारी डबल मर्डर की वारदात से प्रयागराज में सनसनी है? जी बिल्कुल, ये धरी गांव का मामला है। एक ग्रामीण है संतोष, उसके घर पर एक गेंदालाल नाम, एक राम बाबू नाम का युवक रहता था और देर रात उसने राम बाबू की पत्नी के साथ मिल करके संतोष की हत्या कर दी गला दबा करके। बाद में जब खबर राम बाबू के संतोष के परिवार वालों को हुई तो उन्होंने गांव वालों के साथ मिल करके राम बाबू को पीट करके अधभना कर दिया। बाद में अस्पताल पहुंचते पहुंचते राम बाबू ने भी दम तोड़ दिया। तो एक के बाद एक हत्या से सनसनी है गांव में। पुलिस मौके पर है। जो आरोपी पत्नी है जिसने प्रेमी के साथ मिलकर के संतोष की हत्या की थी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है और जो पुलिस की टीम है वो गांव में मौजूद है और जांच हो रही है। जो तमाम टीमें हैं वो पहुंची हैं और पूरे मामले में जिस तरह से हत्या हुई है उसके बाद से गाँव में लोगों में थोड़ी सी नाराजगी है, थोड़ा सा तनाव है। लेकिन चूंकि पारिवारिक एक तरह का मामला है, जो नाजायज संबंध है उनसे जुड़ा मामला है और उसके बाद जो आरोपी महिला है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जल्दी वो इस पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। राम बाबू के साथ जिन लोगों ने मारपीट की उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। तमाम जानकारी के लिए मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका। तो प्रयागराज में डबल मर्डर की घटना सामने आई, जहाँ एक परिवार के साथ एक शख्स रहा करता था। नाजायज संबंधों की वजह से पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी और उसके बाद गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने प्रेमी को भी इतना पीटा कि अस्पताल ले जाते वक्त उसने भी दम तोड़ दिया।